अब्दुल्लाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, मैं हूँ शाहिद चिश्ती। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान फूड सीकर। नाज़रीन व सामईन, आज के जो दौर चल रहा है इसके अंदर टेंशनें बहुत ज़्यादा हैं और टेंशनों की वजह से जो है वो नींद नहीं आती और नींद की खराबी की वजह से जो है वो मैदा भी खराब होता है, जिगर भी खराब होता है और बहुत सारी बीमारियाँ उसको बंदे को आस्ता आस्ता जुड़ना शुरू हो जाती है। नाज़रीन सामईन, आज मैं जो बना रहा हूँ वो अलसी की खसखास वाली पनीर है। अलसी की खसखास वाली पनीर है, यानी आप ये समझें कि नींद का तूफान आ गया, नींद का भरपूर तूफान आ गया। आप सोते रहेंगे और आपके अंदर जो कुदरत ने, जब इंसान सोता है तो इंसान के अंदर बहुत सी तवानाइयाँ पैदा होती हैं। नींद की चार स्टेज हैं, नींद की चार स्टेज हैं। पहली स्टेज है जब इंसान को जमाई जाती है, इस तरह जमाई जाता है। दूसरी ऐसे बैठा हुआ है या लेटा हुआ है तो उसको ऐसे ऐसे ही खूब आ रही है, ऐसे गिर रहा होता है। तीसरी स्टेज है बंदा सो गया है, थोड़ा सा किसी ने खटखटाया है, थोड़ा सा चोर हुआ तो उसकी आँख खुल गई, जिसे हम कहते हैं कच्ची पकी नींद। और चौथी स्टेज जो है वो है बंदा सो गया है, उसके सराहाने ढोल बज रहे हो, घोड़े नाच रहे हो, शोर बपा हो, जो कुछ मर्जी हो उसकी आँख नहीं खुलती। जब इस तरह की नींद आती है तो फिर क्या होता है, फिर अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे मैकेनिक भेज देता है जिगर को ठीक करने के लिए। वो अपने छेनिए पाने और पेच का सबसे चीज़ें लेके जिगर की रिपेयर करते हैं। दिल वाले आ जाते हैं, वो दिल की रिपेयर करते हैं। इस तरह गुर्दों की रिपेयर होती है, हृदय की रिपेयर होती है। जब इंसान के अंदर ऐसे लोहा पैदा होते हैं, जब उसको गहरी नींद आती है, तो सामीन ये जो मैंने बनाई है अलसी की पीने साथ वाली, इसके अंदर नींद का तूफान है। ऐसी गहरी नींद आएगी कि आप सोचेंगे कि ये कमाल हो गया। तो ये उसको कैसे बनाना है ना पूछा। नाज़रीन सामीन, ये है अलसी, ये मैंने एक पाव ली है, ये एक पाव ली है, इसको साफ कर लिया है और इसको इसके अंदर हल्का लाइट ब्राउन करूँगा मैं। ये देखें नाज़रीन, ये चटक रही है, ये जैसे दाने भुनने की आवाज़ आती है ना, इससे इसकी ये देखें, ये सारी आवाज़ आ रही है। ये देखें ये इस तरह सारी चटक जाएगी। जब चटक रही है सारी और जब ये चटकना बंद हो जाएगी तो इसका मतलब ये हमारी अलसी जो है वो ब्राउन हो गई है। ये देखें नाज़रीन, ये सारी चटक रही है। तो ये इसको हमने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन, जलाना नहीं है। अगर ये जल गई तो इसका तेल है, आयल है जो काम देता है वो जो है वो तो सूख जाएगा, जल जाएगा। बस इसको हम, ये हमारी काफ़ी बेहतर हो गई है। इसको हमने इस तरह ट्रे के अंदर निकाल लेना है और ट्रे के अंदर निकाल के इसको फौरी तौर के ऊपर हमने इस तरह फैला देना है। इसकी ढेरी नहीं रखनी, अगर ढेर रखेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल जल के राख हो जाएगी, जैसे कोयला होता है। तो इसको फैला देना है और इसके बाद हमने क्या करने वापस बताते हैं। ये एक गिलास पानी है, तकरीबन ये अभी 200 ml या 250 ml होगा। और इसके अंदर ये देखें, ये गुड़ लिया था, इसको कूट लिया है, ये 200 ग्राम गुड़ लिया है, ये भी इसके अंदर जाएगा। ये चीनी भी इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ, इसलिए कि आजकल गुड़ या शक्कर जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट के आ रहे हैं। मसलन कोई बहुत ज़्यादा शीरी है तो कोई शीरी नहीं है, किसी में मिठास ज़्यादा है, किसी में मिठास कम है, इसलिए ये थोड़ी सी चीनी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि पिनियाँ जो है वो बिल्कुल जो हल्की हल्की मिठास वाली वो अच्छी नहीं लगती। ला के तो उसकी हम चाश बना लेते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये गुड़ इसके अंदर घुल रहा है, ये जब घुल जाएगा तो फिर उसको हमने पकाना है। ये नाज़रीन अभी ये चाश नहीं बनी, ये इसको और गाढ़ा होगा तो फिर चाश बनेगी। चाश बना के आप दिखाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये चाश बन गई हमारी, ये देखें ये गंदुम का आटा लिया है हमने 200 ग्राम, ये 200 ग्राम गंदुम का आटा लिया है, इसको हमने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन रखेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे इसको। नाज़रीन ये देखें, ये लाइट ब्राउन हो रहा है, ये देखें, जूम करके दिखाएं ज़रा,
ये देखें, ये नाजरीन जो है हमारा आटा ब्राउन हो गया है। वाह क्या खुशबू निकाल रही है माशाल्लाह। ये हम इसको इसके अंदर निकालेंगे। निकालने के बाद इसको फैला देंगे। अगर इसकी ढेरी लगी रहेगी तो ये फिर सारा अंदर से जल जाएगा। तो इसको इस तरह फैला देते हैं जैसे हमने अलसी को फैलाया था, इस तरह इसको फैला देते हैं। तो इसके बाद क्या करना, मैं आइए आपको बताता हूँ। ये नाज़रीन, ये मैंने आयल लिया है 200 ग्राम, आयल लिया है 200 ग्राम। ये ज़रा घी गर्म हो गया है, तो इस घी गर्म के अंदर ये हमने खिशकाश लिए 50 ग्राम, खिशकाश ली है 50 ग्राम, इसको छान लिया, साफ़ कर लिया है, ये इसके अंदर जाएगी। इसको थोड़ा सा घी के अंदर हम ब्राउन करेंगे हल्का सा। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मर्जी आए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी पाबंदी नहीं है। ये देखें नाजी, देखें ब्राउन हो गई है। और इसके अंदर ये जो हमने आटा ब्राउन किया था गंदम का, वो भी इसके अंदर डाल के तो इसको हम मज़ीद ब्राउन करेंगे। ये देखें जिस तरह, इसके साथ ही ये हमने अलसी भून कर ग्राइंड कर ली है, ये ग्राइंड की हुई अलसी भी इसके अंदर। नाजी ये सब्ज़ इलायची छोटी हमने 10 से 12 दाने लिए थे, इसको ग्राइंड कर लिया है और ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे 10 से 12 दाने। वह क्या खुशबू उठी है माशाल्लाह। ये मिठाई की मिठाई है और दवाई की दवाई है। और ये हमारी बुनगी है, इसके अंदर अब हम ये जो हमने शीरा बनाया था, ये हमने गुड़ का शीरा बनाया था, ये अब इसके अंदर इसको शामिल कर, नाज़रीन ये हमारी अलसी की पिनियाँ खसखास वाली ये तैयार हो गई हैं। तो अब इसको हमने कैसे बनाना है, ये नाज़रीन बहुत जल्द हमने चूँकि अभी शीरा डाल दिया है तो इसलिए ये बहुत जल्द जमने की तरफ जाएगा। इसको हमने जरा नीम गर्म होती है तो इसकी पिनियाँ बना लेनी है। अगर आपने नीम गर्म की पिनियाँ नहीं बनाई तो याद रखें ये पिनियाँ बनानी मुश्किल हो जाएंगी, पिनियाँ बनेंगी नहीं, जुड़ेंगी नहीं, ये अकड़ जाएगा सारा। तो पिनियाँ कैसे बनानी है आपको बताते हैं नाज़रीन। ये नीम गर्म हो गई है, ये देखें इसका, इसको इस तरह पकड़ के इस तरह ज़ोर से दबाएं, इस तरह ये ज़ोर से दबाएं। आप इसको अखरोट जो छोटा होता है वो बस उसके साइज़ की इस तरह सुनना है। ये देखें ये मैं दबा रहा हूँ तो इसके अंदर से आयल घी निकल रहा है, ये देखें ये मैंने दबाया है तो इसका घी या आयल इसके अंदर निकल रहा है, ये देखें। ये फिर मैं बनाता हूँ, बस अखरोट से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये एक रोज़ाना आपने तकरीबन कोई जिस वक्त मर्जी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि जब आप बेड से जाने से 2 घंटे पहले।